हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं HTML के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाज़िर हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम HTML पे वीडियो कैसे इम्बेड कर सकते हैं। तो हम एक नया पेज लेते हैं। ये नया पेज जो है वो उसमें के इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है। हम बॉडी के अंदर आएंगे और HT जो सबसे पहले इम्बेड का जो टैग है वो यूज़ होगा, इसमें एम्बेड का टैग लेंगे और SRC। इसके बाद हम ये डबल कोट के अंदर जो है ये एक जो वीडियो एक वीडियो लिंक है मेरे पास यहाँ पे, ये मैं अपने लेक्चर का ही वीडियो लिंक उठा देता हूँ। इसी को यहाँ पे जो है वो इसका सॉरी इसका जो नाम है वो लेना है हमें, वो डबल कोट्स के अंदर इसका, एक मिनट, ये नाम जो हमारे पास यहाँ पे आ गया। और ये AVI की फाइल है जो हम ऐसे प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लेंगे, AVI की फाइल है। उसके बाद जो हमें करना है उसको बंद किया और यहाँ पे एम्बेड जो है वो एम्बेड को हमने टैग को बंद कर दिया, इसको सेव किया, इसको ओपन भी कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ओपन कर दिया इसको, यानी ब्राउज़र। अच्छा, ये मांग रहा है, इसको ओके कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, अलाउ मांग रहा है कि देखें ये हमारी जो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ये मोहम्मद मेरा लेक्चर जो असद है है और मैं इसमें भी चल रहा है, और इसको जो है वो मैं सेंटर में हम लोग कर देते हैं ताकि ये अच्छा सा नज़र आए। सेंटर में, एक मिनट, इसको सेंटर का टैग यहाँ लगाते हैं और इसको एंड में भी यहाँ सेंटर का टैग को बंद कर देते हैं। इसको हमने रिफ्रेश किया तो देखिए हमारा सेंटर में आ गया। हेलो, और अस्सलाम इसकी हम वालेकुम। मेरा विड्थ नाम हाइट मोहम्मद भी असद जो है है, और मैं एच टी एम एल के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। ये मेरी वीडियो देखें चल भी रही है आज हम टेबल क्रिएट करेंगे। और इसको हम यहाँ से रोक भी सकते हैं, ऐसा नोट कर लेता आगे हूँ भी मैं। कर सक रहे हैं। लेकिन इसका जो तो साइज़ है वो अगर वो हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें इसकी विड्थ और हाइट जो है वो देनी पड़ेगी। जैसे अगर हम इसकी विड्थ जो है वो 300 कर देता हूँ और इसकी जो हाइट, सॉरी हाइट जो है इसकी वो भी 300 ही कर देते हैं। देखें इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना नहीं बड़ा है हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम। इसके मेरा नाम मोहम्मद असद है और मैं HTML के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर इसको हूँ। हम जो आज है हम टेबल क्रिएट करेंगे। 500 कर देते हैं, टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं। 500 इसको हम थोड़ा कर देते हैं टेबल। देखें इसका साइज़ जो है वो बढ़ गया। इसको मज़ीद भी हम कर सकते हैं जितना हम इसका साइज़ रखना चाहते हैं, 800 कर देते हैं, इसको भी हम 800 कर देते हैं विथ को। तो इसका साइज़ जो कंट्रोलर से इसको सेव किया, इसका साइज़ जो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। हेलो, और अगर हम MP3 की फ़ाइल जो है वो करना चाहते हैं तो हमें ये सेम यही कोड जो है वो हम इसको इस कोड को जो है हम यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। डिफरेंस जो है इसमें क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस उसमें क्या आएगा, डिफरेंस ये होगा जो हमने फाइल ली है वो हमारी MP3 की फ़ाइल होगी। अब यहाँ से MP3 की हमारे पास ये फाइल है, इसका नाम है, इसका नाम हमने यहाँ पे लाए और ये फाइल है कौन सी MP3 की। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आके इसको चेक कर लिया, ये फाइल जो MP3 की नहीं है, हमने यहाँ पे दूसरी फाइल ले ली है।
आई थिंक ये फायर MP3 की है। हाँ ये फायर हमारी MP3 की है। और इसका नाम क्या है, कालिम्बा डॉट MP3 कर दिया। कालिम्बा है। तो उसके बाद जो हमने इसको, इसमें हम जो है वो यहाँ पे BR यूज़ कर लेते हैं ताकि वो नीचे शो हो जाए, यानी एक लाइन छोड़ के। अब जो है वो हमने रिफ्रेश किया, लेकिन ये इसको हम बंद कर देते हैं ऊपर वाली फाइल को। ये देख लें, हम यहाँ पे साउंड की आवाज़ भी आ रही है और कोई, इसको हम साउंड की आवाज़ भी है, इसको हल्का तेज़ भी हम कर सकते हैं साउंड को। और ये है साइज़ इसका सेम आ गया, BR से मैंने इसको नीचे कर दिया वरना बराबर में शो हो जाता है इसके। तो ये हमारी आज का बेसिक लेक्चर था कि हम वीडियो और ऑडियो HTML में किस तरीके से हम बैट कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।